गई हैं, एक हम बना रहे हैं हरियाली पुलाव, दूसरा बन रहा चाची। अब हम क्या करेंगे कि इनको तो साइड पे रखते हैं, ये इसके अंदर जाएगा। यहाँ पर है मेरे पास अदरक लहसुन, नमक, नमक दो चाय का चम्मच तो बनता है, इसलिए कि हमेशा नमक ज़रा ज़्यादा डलता है। ये जब आपको लगे कि खुशबू आने लगी तो प्याज की और गरम मसाले की, तो फिर आपने बाकी की चीज़ें डालनी है, लेकिन इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर करेंगे ब्राउन। अब ये डाल देती हूँ नमक और इसके साथ यहाँ पर अदरक लहसुन, सही है। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, एक हजार जाएगा ये चिकन का क्यूब, ये देखें साइड पे रखते हैं ताकि समझ आ जाए। अच्छा जी, ये बस अब थोड़ा सा ये पकेगा, हरी मिर्चें जाएंगी, ये पूरे हरे मसाले वाले हैं राइस, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, ठीक है। इसमें जब तक बॉयल आ रहा है यहाँ पर हम पूरा पानी फेंक देंगे, इसको ड्रेन आउट करेंगे, इसलिए आप आराम से कुकिंग कर सकते हैं। अमूमन ये होता है कि वो गर्म हो जाते हैं नोब्स, तो फिर आपके हाथ भी जलते हैं और ख़राब भी जाते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती, ठीक है। अच्छा जी, चलें जी जवेरिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी है निदावा जी? आप अल्लाह का करम, आप बताओ आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। और निदावा जी, आपके जो प्रोग्राम है वो सारी एक एक रेसिपी आ रही है नेट में, क्विक एंड ईजी रेसिपी, यानी पूरा प्रोग्राम नहीं आ रहा एक हफ्ते से। क्या मतलब शोज नहीं आ रहे? शोज तो आ रहे, लेकिन एक एक डिश आ रही है। आपने बेह अभी सिखाई थी, जो बेह जो सिखाया था आपने, जो डिश सिखाई थी बेह की, तो वो एक एक रेसिपी वाली आ रही, मतलब कोई रेसिपी, अमेजिंग रेसिपी लिखी हुई थी।